Hey guys, welcome back to my channel, Bansal Biology. आज के वीडियो में हम EMSA के बारे में देखने वाले हैं, that is electrophoretic mobility shift assay. अगर हम नॉर्मली देखें, नॉर्मली इलेक्ट्रोफोरेटिक मूवमेंट क्या होता है, तो अगर हम यहाँ पर देखें, हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं जिसमें हम डीएनए को सेपरेट करते हैं, प्रोटीन्स को सेपरेट करते हैं. और अगर हम नॉर्मली इलेक्ट्रोफोरेसिस देखें तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, जो भी मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं जिसका साइज सबसे ज्यादा छोटा होता है वो सबसे दूर तक माइग्रेट करता है, और वहीं जिसका साइज सबसे ज्यादा बड़ा होता है वो इतनी दूर तक माइग्रेट नहीं कर पाता. ये नॉर्मली हम प्रिंसिपल में देखते हैं जब भी हम इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करते हैं, कि जिस भी मॉलिक्यूल का साइज सबसे छोटा होगा वो सबसे दूर तक जाता है, और जिस भी मॉलिक्यूल का साइज सबसे बड़ा होगा वो ऊपर ही रह जाएगा. जैसे कि हम यहाँ पर भी देख सकते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स में, जो 100 बेस पेयर का डीएनए है वो सबसे दूर तक जा रहा है, वही जो 1000 बेस पेयर का डीएनए है वो ऊपर ही रह जा रहा है. तो ये क्या होता है, नॉर्मली इलेक्ट्रोफोरेसिस का बेसिस होता है, और इस तरीके से हम यहाँ पर प्रोटीन्स डीएनए को सेपरेट करते हैं. अब यहाँ पर ये जो ऐसे है इसमें हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसमें हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि अगर मेरे पास एक डीएनए फ्रेगमेंट प्रेजेंट है तो क्या उस पर कोई प्रोटीन आके बाइंड कर रहा है या नहीं बाइंड कर रहा. अगर हम नॉर्मली देखें डीएनए के साथ ढेरों प्रोटीन आके बाइंड करते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें हिस्टोन्स जो होता है वो डीएनए से आके बाइंड करता है और डीएनए की रैपिंग में मदद करता है. ऐसे ही जब डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन चलता है, ट्रांसलेशन चलता है, तो ढेरों प्रोटीन्स यहाँ पर आके बाइंड करते हैं, आरएनए से भी डीएनए से भी. यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, रेप्लिकेशन के दौरान बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, बहुत सारे प्रोटीन्स बाइंडिंग शो करते हैं. तो इसी तरीके की बाइंडिंग को देखने के लिए मैं ऐसे देखना चाहती हूँ कि अगर मेरे पास कोई डीएनए फ्रेगमेंट है उससे कोई प्रोटीन आके बाइंड कर भी रहा है या नहीं बाइंड कर रहा. किस तरीके से किया जाता है, आइए हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं. समझिए, यहाँ पर मेरे पास एक डीएनए फ्रेगमेंट था और उससे वो प्रोटीन आके बाइंड कर गया, यानी कि कोई भी एक प्रोटीन है जो डीएनए से आके बाइंड कर गया. अब अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर प्रोटीन और डीएनए एक दूसरे से बाउंड है तो ऑब्वियसली बात है यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर जो इसकी मोबिलिटी हो जाएगी वो स्लो हो जाएगी, यानी कि अब ये डीएनए उतनी तेजी से नहीं भाग पाएगा जब ये अकेला भाग रहा था. इसको आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं, समझो अगर आप साइकिल चला रहे हैं, अगर आप अकेले साइकिल चला रहे हैं तो आप तेजी से साइकिल चला सकते हैं और बहुत आगे आगे जा सकते हैं, लेकिन अगर मैंने आपके पीछे किसी बच्चे को या किसी लड़की को बिठा दिया तो उसका वेट की वजह से आप उतनी तेजी से साइकिल नहीं चला पाएंगे, अब आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी. सेम चीज यहां पर भी हो रहा है, जब डीएनए अकेला प्रेजेंट था, फ्री डीएनए था, तब वो दूर तक जाएगा, लेकिन वहीं अगर डीएनए किसी प्रोटीन से बाउंड हो गया तो वो उतने दूर तक मूव नहीं कर पाएगा, वो थोड़ा कम मूव कर पाएगा. तो इस कंडीशन में क्या हुआ है, इस कंडीशन में बैंड शिफ्ट हुआ है. नॉर्मली जहां पर हमें बैंड मिलता था अब हमें वहां पर बैंड नहीं मिलेगा, हमें यहां पर थोड़ी सी ऊपर बैंड मिल रहा है. तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर ये जो है बैंड शिफ्ट ऐसे हो गया, बैंड यहां पर क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है. किस तरीके से पूरा एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ऐसे किया जाता है, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं. हम सबसे पहले यहाँ पर हमारा डीएनए लेते हैं, जो भी डीएनए फ्रेगमेंट है जिसमें हमें चेक करना है कि वो प्रोटीन बाइंड होता भी है या नहीं होता है. इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेडियो लेबल करेंगे, ताकि हम यहाँ पर जब इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करवा लें पूरी तो हमें यहाँ पर कुछ एमिशन दिखे, ताकि हमें पता चल जाए कि रिजल्ट आया भी है या नहीं आया. तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस और ऑटो रेडियोग्राफी में हम इसको डीएनए को देख सके, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, रेडियो लेबल कर दिया. एक बार रेडियो लेबल हो गया उसके बाद मैं यहां पर क्या करूंगी, प्रोटीन्स को पुट कर दूंगी, जो भी प्रोटीन मुझे लगता है कि इससे बाइंड हो सकता है प्रोटीन मैं यहां पर पुट करूंगी. अब यहां पर अगर प्रोटीन बाउंड हुआ तो उस कंडीशन में तो क्या होगा, उस कंडीशन में मेरे को बैंड ऊपर मिलेगा. वहीं अगर प्रोटीन बाइंड नहीं हुआ तो उस कंडीशन में मुझे बैंड नीचे मिलेगा. अब ऐसा जरूरी नहीं कि प्रोटीन्स हर एक ही डीएनए फ्रेगमेंट से जाके बाइंड करेगा, हो सकता है कि यहां पर एक दो से बाइंड कर ले, काफी उसे नहीं बाइंड करे. इसकी वजह से अगर बाइंड किया तो मुझे ऊपर फ्रेगमेंट भी मिलेगा और अगर नहीं बाइंड किया तो मुझे नीचे फ्रेगमेंट भी मिलने वाला है. तो इस तरीके से यहां पर क्या होगा, मुझे पता चल सकता है कि कोई डीएनए फ्रेगमेंट पे प्रोटीन बाइंड हो भी रहा है या नहीं हो रहा, और इसी वजह से इस टेक्निक को हम बैंड शिफ्ट ऐसे भी कहते हैं, जेल शिफ्ट ऐसे भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर शिफ्टिंग हो रही है बैंड की, हम यहां पर शिफ्टिंग कर रहे हैं.
अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम ये भी चीज देख सकते हैं कि समझो अगर मेरे पास एक डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इस तरीके से डीएनए मॉलिक्यूल मेरे पास प्रेजेंट है, तो क्या इस डीएनए मॉलिक्यूल पे आके सिर्फ एक ही प्रोटीन बाइंड कर रहा है या फिर दो प्रोटीन बाइंड कर रहा है, ये भी हम देख सकते हैं। क्योंकि अगर एक प्रोटीन बाउंड होगा तो यहाँ पर बैंड शिफ्ट थोड़ा सा होगा, समझो ओरिजिनली यहाँ पर बैंड मिलता था डीएनए का, थोड़ा सा शिफ्ट हुआ। अगर दो प्रोटीन्स बाइंड हुए तो और ऊपर शिफ्ट होगा। तो मैं यहां पर ये भी देख सकती हूँ कि एक ही प्रोटीन बाइंड हो रहा है या दो प्रोटीन्स बाइंड हो रहे हैं। अब प्रोटीन्स किस भी तरीके से बाइंड कर सकते हैं, या तो ऐसे कर सकते हैं कि यहां पर एक डीएनए मॉलिक्यूल था, इसके ऊपर आके एक प्रोटीन बाइंड हुआ और फिर इस प्रोटीन के आके ऊपर इस प्रोटीन के ऊपर आके एक और प्रोटीन बाइंड हुआ। या तो ऐसे बाइंड भी कर सकते हैं या फिर ऐसे बाइंड कर सकते हैं कि एक डीएनए मॉलिक्यूल है और इस पे दो अलग अलग साइड पे प्रोटीन आके बाउंड हो रहा है। तो इस तरीके से दो डिफरेंट तरीके से प्रोटीन बाउंड हो सकता है, लेकिन दोनों ही कंडीशन में अगर बाइंडिंग हुई है तो हमें फ्रेगमेंट और ऊपर की तरफ मिलेगा, नीचे नहीं मिलेगा। इसका यहाँ पर एक डिसएडवांटेज भी है कि हम यहाँ पर सीक्वेंस नहीं पता लगा सकते, हम ये नहीं पता लगा सकते कि प्रोटीन जिस डीएनए पे आके बाइंड कर रहा है उस डीएनए का सीक्वेंस क्या है। हम सिर्फ ये पता लगा सकते हैं कि प्रोटीन डीएनए पे आके बाइंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर हमें सीक्वेंस पता लगाना है तो इसके लिए हमें कोई और टेक्निक यूज करनी पड़ती है। तो यही थी गाइस आज का हमारा ये टेक्निक। आई होप आपको एम्सा जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया।